काँग्रेसने जो इंडिया अलायन्स आहे त्या अलायन्समध्ये प्राथमिक जेव्हा चर्चा होतात तेव्हा काँग्रेसने असं सांगितलं होतं की उत्तर मुंबईमध्ये काँग्रेसकडून उमेदवार नाही आहे, शिवसेनेने लढावे विनोद आणि कॅन्डिडेट विनोद घोसाळकर असावा. त्याप्रमाणे पक्षप्रमुख उद्धवजीने आम्हाला उत्तर मुंबईतल्या पदाधिकाऱ्यांना बोलवलं होतं, काँग्रेसजवळ जर उमेदवार नसेल तर तुमची लढायची तयारी आहे, तर सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं आम्ही लढू आणि त्याप्रमाणे आम्ही कामाला सुरुवात केली होती. परंतु काल अलायन्समध्ये ही जागा उत्तर मुंबईची काँग्रेसकडे गेलेली आहे. काँग्रेसची मला ऑफर आहे की आपण काँग्रेसच्या सिंबॉलवरती चिन्हावरती लढावे, परंतु मी त्याला नाकारलं आहे की मला जर तुम्हाला त्या उत्तर मुंबईचा एनडीएचा खासदार बनवायचा असेल, इंडियाचा खासदार बनवायचा असेल, तर एक सीट वाढते तुमची, तुम्ही तेवढे मोठे पण दाखवा आणि ही सीट सोडा. ही सीट ते द्यायला तयार आहेत, परंतु त्यांना दुसरी सीट पाहिजे. परंतु पक्षाकडे अशी अडचण आहे की आम्ही त्यांना दुसरी जागा देऊ शकत नाही, म्हणून आमचे आजही प्रयत्न चालू आहे की काँग्रेसने ही सीट शिवसेनेला सोडावी. कोण आपल्याला ऑफर दिलं होतं? मला स्वतः महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्मान्य नाना पटोळेंनी मला दूरध्वनीवरून सांगितलं होतं की आपण या, तुम्हाला मी उमेदवारी देऊ पण आमच्या चिन्हावर लढा. काँग्रेस जर आपल्याला काँग्रेसच्या चिन्हावर लढणार का? काँग्रेसच्या चिन्हावर आम्ही इंडिया आघाडीमध्ये आम्ही सगळे एकत्रच आहोत ना. भाजप काँग्रेस आहे, राष्ट्रीय काँग्रेस आहे, शिवसेना आहे, त्याच्यामुळे असं काही नाही की इंडिया आघाडीच्या बाहेर कुठल्या पक्षांकडून मी तिकीट मागतोय. त्यामुळे काँग्रेसने मोठं पण टाकून ही जागा शिवसेनेला द्यायला हरकत नाही. उद्धव ठाकरे कशी लढाई होणार? ज्या पद्धतीनं या उत्तर मुंबईमध्ये मी कामाला सुरुवात केली होती, कामामुळे साधारण लोक कलक, जनतेचं मतदारांचा कलक आहे, तर त्याच्यामध्ये मला दिसलं की लोकांना बदल पाहिजे आणि स्थानिक उमेदवार पाहिजे आणि तो उत्स्फूर्त प्रतिकार मला मिळत होता आणि सगळेच काँग्रेसवाल्यांचा पण प्रतिसाद होता, राष्ट्रवादीचाही प्रतिसाद होता, समाजवादी पक्षाचे अबू अजमीच्या पक्षांचा भर होता, हिंदी भाषिक सुद्धा कामाला लागले होते, मुस्लिम बांधव कामाला लागले होते आणि मराठी माणसं आणि बाकी सगळे व्यावसायिक आहेत तेही मला मदत करायला तयार होते. त्याच्यामुळे ही जागा जरी हा एक विशिष्ट पक्ष आपला गड मांडतोय, उमेदवार नौका आहे पण उमेदवार स्ट्रॉंग आहे, पण मी त्यांना फाईट घेऊन मी विजयी झालो. सवाल नाही आहे, इंडिया आघाडी का सवाल आहे. और जब भी शुरुआत में इंडिया आघाड़ी की जो प्रपोजल आया उसमें हम लोगों ने उत्तर मुंबई कांग्रेस को दिया था ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास तीन मतदार संघ, ये पारंपरिक मतदार संघ है हमारे, हमारे एमपी वहाँ सालों से चुन के आते हैं, और एक हम ईशान्य मुंबई हमारी संजय जिला पाटिल के लिए हम लोगों ने निकल, उसके बाद भी काँग्रेस का प्रस्ताव था कि अगर शिवसेना ने लड़ना चाहिए, शिवसेना के विनोद घोसाळकर नाम से काँग्रेस के नेता मेरे नाम से वे आदमी चुन के आ सकते हैं, तो हमारे भी पार्टी से ऑफर है कि अगर ये सीट आपको अगर छूट जाती है तो आपको खड़ा करना है, तो इसलिए मैं शिवसेना संगठन के साथ पदाधिकारी के साथ एक मैं सर्वे और हमारा चुनावी कामकाज शुरू दिया था कि आचार संहिता शुरू है और दिन कम है, अगर ये अपने को लड़ने का वक्त आएगा तो अपने भी तैयारी चाहिए. तो जब ये सब मैं देखा, यहाँ से मैं 6 विधानसभा में घूमा, तो बहुत बड़ा उत्सुक प्रतिसाद था. इस उत्तर मुंबई के लोगों में 3-4 गोष्टी की नाराजगी है. एक तो बार बार भारतीय जनता पार्टी बाहर के कैंडिडेट लाके लोगों को जबरदस्ती कर रही है, ये लोगों का कहना है कि कितना साल हम जो सहन करेंगे.
एक तो वो नाराजगी है, दूसरी बात ऐसी है कि ये अलायंस में हमें कांग्रेस का सपोर्ट नहीं है वाला, कांग्रेस के वोट उत्तर मुंबई में है, राष्ट्रवादी के उत्तर मुंबई वोट है, समाजवादी पार्टी के मुंबई में वोट है और अन्य छोटे छोटे पार्टी के उसमें वोट्स है। गोपाल शेट्टी की टिकट कटाने से लोगों में थोड़ी नाराजगी भी है और इस चुनाव इस क्षेत्र में एक म्हाड़ा का बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसा वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट बुराई चारको, तो वहाँ की जो मतदाता है, मैं चार तक म्हाड़ा का चेयरमैन रह चुका हूँ, उनके बहुत काम किए, तो लोगों को ऐसा लगा कि अपना घर का आदमी है अभी उसको भेजना चाहिए, बाहर का आदमी को नहीं भेजना चाहिए। और मेरे को 19 साल मैं इसका विभाग प्रमुख करके काम किया, तो मेरा ये सब इलाके में मेरे नगर सेवक, मेरे शाखा प्रमुख और मेरी टीम, मेरी बोलेगा तो पार्टी की हमारी टीम एक बहुत अच्छी है और मेरे लिए सब साथ में है। अन्य पक्षों भी मेरे सपोर्ट करने के लिए एक स्थानिक और जिनको स्थानिक समस्या की जान है ऐसा, और हम लोग बहुत उधर की जो समस्या है वो छुड़ाने का 35 साल में प्रयास किया है। हमारे दो दो महापौर थे, हमारे 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, उनके माध्यम से गोराई को पानी देने वाला विनोद घोषाल के लिए गोरावी पुल में जो बाला साहब के आशीर्वाद से हम लोग प्रोजेक्ट किए, ये जो पानी की समस्या हुई टनल से पानी लाना वो भी हमने किया, और ये बहुत सारी समस्या म्हाड़ा के धोरणात्मक निर्णय उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे तो बहुत अच्छी तरह से मुझे काम करने का मौका मिला। लोग मुझे जानते हैं हर में, सारे समाज के लोग उत्तर भारतीय मुझे चाहते हैं, मुस्लिम मुझे चाहते हैं, मराठी मुझे चाहते हैं, अन्य भाषिक भी जो व्यापारी वर्ग है वो भी मुझे चाहता है। तो ये सब देखा मैंने तो बोला ये सीट आज का भी सर्वे आप देखेंगे तो विनोद घोषाल के विन की सर्वे आ रहा है। तो इस ऐसे समय पर हम कांग्रेस ने मुझे ऑफर दिया कि आप हमारे चिन्ह पे लड़ो, लेकिन ये ऑफर थोड़ी सी मेरे करियर के लिए कठिन लगती है। तो मैंने उसको विनम्र कहा कि बाबा आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके आभार मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस के चिन्ह पर मैं नहीं लड़ सकता हूँ। इंडिया अलायंस की एक अगर सीट बढ़ाना है, अगर इंडिया अलायंस को राहुल जी गांधी जी आपको अगर आपको मदद करना है तो आप थोड़ा बड़ापन दिखाओ और उत्तर मुंबई की जो जगह है वो शिवसेना को छोड़ दो, एक कैंडिडेट बढ़ जाएगा आपका, कांग्रेस का कैंडिडेट मैं नहीं बोलता हूँ, सब बोलता है ये जीतेगा नहीं तो उसका क्या फायदा है। इसलिए हमारी आज भी विनंती है, कांग्रेस के पास प्रस्ताव दिया है और कांग्रेस उसके ऊपर सोचेगी। सर आपको ऑफर किसने दिया है, कब दिया? हाँ, अभी जो गुड़ी पड़वा का जो पत्रकार परिषद थी तो मेरे को उद्धव साहब ने फोन किया था, बोला नाना से बात करो, नाना आपने जो महाराष्ट्र प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष है, नाना ने कहा विनोद आपको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, हम आपका हमारा उम्मीदवार है लेकिन आपकी कंडीशन ये है कि आप मेरे चिन्ह पे खड़ा हो। तो मुझे सोच की बाहर की बात है कि उससे अनेक कारण है, तो कारण बताने उनको मैं आभार मानता हूँ कि उतना ही बड़प्पन बताया कि उनके के नक्की उनको भी लगता है कि विनोद घोषाल का चुन के आएगा, तो उसने थोड़ा सीट को लेकर कुछ बातचीत हुए कि सीटें देना कोई दे दिया जाए। अभी हमारा प्रस्ताव तो कांग्रेस के पास गया है, कांग्रेस का भी प्रस्ताव लोगों का गया है, कांग्रेस के यहाँ के स्थानीय जो नेता है वही उनका भी कहना है कि आप ये सब झगड़ा करने से एक सीट गिर जाएगी तो इंडिया आघाड़ी में एक सीट बढ़ जाती है, तो विनोद घोषाल को लड़ाओ। अभी उसके हमारे उत्तर मुंबई के बाद उनको और कोई सीट चाहिए तो वो सीट हमारे पार्टी को आज देने के लिए बहुत समस्या है, तो ये हम लोग बिना शर्त दे दो मैं लड़ेगा जीतूंगा और इंडिया आघाड़ी का एक खासदार बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से आपको सेना से उम्मीदवारी मिलती है तो कितने लीड से आप देखो लीड का गणित मैंने आज कर रहा हूँ कि देखो जब फर्स्ट टाइम शिवसेना लड़ रही है लेकिन लीड तो मिलेगा, इसका कारण है कांग्रेस मेरे साथ में है, राष्ट्रवादी मेरे साथ में है, समाजवादी मेरे साथ में है और अरण्य पार्टियां और अन्य समाज मेरे साथ में है, तो कोई भी हालत में हम ये बीजेपी को इस उत्तर मुंबई से
जितने नहीं देंगे ये उत्तर मुंबई से ये सीट हम अलायंस जीतेंगे।